आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैनिफेस्टेशन टिप्स जो नेविल गॉडार्ड ने अपनी बुक में सजेस्ट किए हैं, और वो ये एश्योर करते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी किसी भी डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। नेविल गॉडार्ड ने 3 स्टेप्स मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी बुक में शेयर किए हैं, और जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ। मैं हर स्टेप के बाद कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको और हेल्प करेगा अपने उस स्टेप को फॉलो करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है डिज़ायर, जिसमें आपको चूज़ करना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आपकी कोई भी डिज़ायर जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस डिज़ायर के बारे में आप जितना डिटेल ऐड कर सकते हो अपनी डिज़ायर में उतना ही अच्छा होगा आपके लिए भी और यूनिवर्स के लिए भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ये पहले से ही सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन सी कंपनी की कार चाहिए, आपको कौन से कलर की कार चाहिए, आपको SUV चाहिए, सेडान चाहिए, आपको डीजल कार चाहिए, पेट्रोल कार चाहिए, इलेक्ट्रिक कार चाहिए। मतलब ऐसे ही जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आप अपनी डिज़ायर के लिए ऐड कर सकते हो तो वो ही आपको करना है। अब स्टेप 1 की टिप क्या है कि आप जो भी डिज़ायर सेलेक्ट करो वो डिज़ायर एकदम फर्म होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने आज डिज़ायर कर लिया, पूरा उसका डिटेल बना लिया, लेकिन 2-3 दिन बाद आपको क्या लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें कुछ चेंज करना है। तो वो आपकी जो डिज़ायर है ना, वो उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना है। एक बार में अच्छे से सोच समझ के पक्का बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको इसके लिए जितना टाइम लग रहा है ना, आप आराम से उतना टाइम लीजिए, लेकिन एक बार पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि आपको यही डिज़ायर चाहिए, तब वो आपकी जो डिज़ायर है ना, आप उसको अपनी ट्रू डिज़ायर बोल सकते हो। तो चलिए, अब स्टेप 1 के बाद हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है क्रिएट एन इवेंट। मतलब इसमें आपको एक सिनेरियो क्रिएट करना है जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स आपको ऐड करने हैं जो आपको लगता है कि आपकी डिज़ायर जब आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, आपकी वो डिज़ायर पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ें होंगी। ठीक है, वो इवेंट्स होंगे आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद। आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्टेप 1 में मैंने कार का एग्जाम्पल लिया था, तो उसी एग्जाम्पल को हम स्टेप 2 में उसके इवेंट्स क्या बना सकते हैं कि आप अपनी नई कार में अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाते हो, मंदिर में जाकर वहाँ पर नई कार की पूजा कराते हो, है ना। ये हम लोग फॉलो करते हैं ना, जो लोग फॉलो करते हैं कि नई कार नया घर होता है तो हम पूजा कराते हैं पहले, तो वो लोग इस इवेंट को ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आप अपनी नई रिबन लगी हुई कार, मतलब आपने रिबन भी नहीं हटाया है, आप उस नई कार में बैठकर ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर ऑफिस में सबको अपनी कार दिखाते हैं कि आपने नई कार ली है। आपके टीममेट, आपके फ्रेंड्स आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सभी लोग आपकी खुशी में बहुत ही खुश हैं। आप अपनी टीम में मिठाई बांटते हैं ऑफिस में, तो वहीं आपके कुछ फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि नहीं भाई, मिठाई से काम नहीं चलेगा, हमें तो पार्टी चाहिए, है ना। वो फ्रेंड्स में ऐसा होता है ना। तो इस तरीके से कोई सिनेरियो ऐड कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ नई कार में उनको ड्राइव पे लेके जाते हो कि चलो ऐसे ही हम नई कार में आइसक्रीम खाने चलते हैं, ड्राइव करके बढ़िया AC की हवा लग रही है, सब लोग बहुत खुश हैं, आपकी कार की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं जो, तो आपको अपनी डिज़ायर के लिए उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कुछ इवेंट्स क्रिएट करने हैं। अब इस स्टेप 2 के टिप्स क्या हैं, आपको वही इवेंट्स ऐड करने हैं जिसमें आपको बिलीव हो जाए कि आपकी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, वो आपकी लाइफ में आ चुकी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिए कि आप अपनी कार को मंदिर ले जा रहे हैं पूजा करने के लिए, तो इसका मतलब आपकी कार आपके पास आ चुकी है। ठीक है, तभी तो आप उसको लेके जा रहे हो उसकी पूजा करवाने के लिए, तभी तो आप उसको ऑफिस लेके जा रहे हो उस कार में, नहीं तो आप कैसे ड्राइव करोगे अगर कार आपके पास नहीं आई है ना। तो ये कुछ टिप्स है कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स आएंगे वो तो इस तरीके से आपको सिनेरियो बनाना है। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, स्टेप 3 पर, इमेजिनेशन। नेविल गॉडार्ड की फेवरेट टेक्निक है SATS,
स्टेट अकिन टू स्लीप, जो वो हमेशा सजेस्ट करते हैं इमेजिनेशन के लिए। उसमें क्या होता है, मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बताऊंगी इसमें। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी को एकदम स्टेबल कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप बेड पे लेटकर अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकते हो, या फिर आप एक चेयर पे बैठकर रिलैक्स होकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बिल्कुल अपनी बॉडी को स्टेबल कर लेना है। कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना, बिल्कुल जैसे जैसे हम सोने की अवस्था में होते हैं ना, वैसी कंडीशन में आपको अपनी बॉडी को लेकर आना है। अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए और इस पोजिशन में लेके आइए जैसे कि आपको हल्की हल्की नींद आने लगी है। और इस टाइम पर ही आपको जो आपने स्टेप टू में अपना सिनेरियो बनाए हैं उस चीज़ को इमेजिन करना शुरू करना है। अपने उन इवेंट्स में अपने आप को देखिए, वो सारे एक्शन करते हुए जो आपने लिखे हैं, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं तो आप उनके हैंडशेक को फील कीजिए कि वो आपसे हैंडशेक कर रहे हैं। आप उनकी आवाज़ों को सुनिए। अपने जितने सेंसेस को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आपके अंदर एक बिलीव की फीलिंग बन लगेगी, एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा जिससे आपके अंदर एक नेचुरलनेस, एक सेटिस्फेक्शन का लेवल आने लगेगा कि आपकी डिज़ायर आपके पास आ चुकी है। आपके अंदर डाउट, वरी, वो सारे नेगेटिव इमोशंस कम होने लगेंगे। और इस चीज़ के लिए ना आपको परसिस्ट रहना है जब तक कि आपके अंदर वो नेचुरलनेस और वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ना आ जाए। आपको ये कंटिन्यूस हर दिन ये फॉलो करना है। अब स्टेप थ्री के टिप्स क्या हैं? नेवल गॉडार्ड हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप ये जो इमेजिनेशन वाली एक्सरसाइज है ना, इसको रात में सोने से पहले करें। जब भी आप सोने के लिए जा रहे हैं तो तब आप ये इमेजिनेशन वाला स्टेप फॉलो करें, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि जब हम सोने जाते हैं ना तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा लॉजिकल माइंड है, वो लेस एक्टिव होता है, जिससे वो हमारी किसी भी डिज़ायर में इंटरफेरेंस नहीं करता और हम अपनी डिज़ायर को डायरेक्टली अपने क्रिएटिव माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो फॉलो कीजिए इन तीन स्टेप्स को और पूरी कर लीजिए अपनी लाइफ की हर डिज़ायर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।